नमस्कार, इन्फोबग की फ्रेश अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार। जिला चुनाव आयोग विंग ने पुंछ में छात्रों को मतदान के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सांबा। बारामूला लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की रिहाई पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ लोगों को जेल में ही रखना चाहते हैं और अपनी राजनीति के लिए आतंकवादियों का समर्थन करना चाहते हैं। अभी तक चुने हुए नेता जो जेल में हैं, उन्हें कोर्ट चाहेगा तो रिहा करेगा। हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है। बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर ने कहा कि वे कश्मीर और कश्मीरी को संदेश देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, कश्मीर के लोगों की जीत होगी। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया था वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे चाहे तिहाड़ भेजे और चाहे जहां भी, लेकिन जीत हमारी ही होगी। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें इन्फोबग।